का जैसे तेला उनको साफ करते नरमे काचापन ले आवे। तो किस प्रकार बनाई जाती है जी दवाई? ये मैं खेत से तुम्बे की बेल नीम की टहनियाँ वैसे तोड़ के लाया था, उसको लाके कुछ मशीन से कुत्र जैसा बना के पानी में डाल के और नीचे लकड़ लगा जो उबाल के बनाई है, उसको निचोड़ के फेंक दिया, ये रस रह गया इसको हमने डोली में डाल के स्प्रे कर दी, साथ में शराब मिलाई। तो इसमें शराब का क्या रोल है जी? शराब जैसे ये है अपनी शराब जो सहायक कीट है जमींदार का उसको नहीं मारती, जैसे फाके पर नियंत्रण है उसका और छोटी मोटी बीमारियां हैं उड़ने वाले जीवों को खत्म करती है। अच्छा, तो इतनी कितनी कीमत में बन जाती है जी अपने एक किले की दवाई, कितने में बन जाएगी दवाई? ये तो घर बनाने वाली तो बगैर पैसे की है जिसमें लकड़ी जलती है, शराब जैसे 60 रुपए की 50 रुपए की बोतल आ जाती है। तो इससे अपने फसल को कितना फायदा हुआ है जी? फसल को मेरी फसल को लगभग 80-85% फायदा हुआ। तो सहायक जो कीट है उनकी सहायक कीट है जैसे फेसा मोटा मक्खी जैसा उसको नहीं मारती, ये जो फके खाती। तो अपने फसल को बाकी बीमारियों से बचाए, बाकी बीमारियों को लगभग तो बचा रखा है, आगे की फिर देखेंगे, फिलहाल किया स्प्रे पूरा 100 का 100 रखा। तो कॉस्टली कितना खर्चा पड़ता है जी एक किले का देखा जाए? एक किले 100 ग्राम 1800 रुपए की मानो और 50 रुपए की बोतल शराब की, बस यही है। क्या नाम है जी अपना? मेरा नाम मान सिंह गुदारा, गाँव ढिंगसरा। कितनी जमीन है जी अपने पास? मेरे पास जमीन तो है 12-13 एकड़, फिर मैं तो 25-30 किले ठेके पर लेके करता हूँ। ये जी इससे क्या अपनी फसल को क्या फायदा है और क्या नुकसान है जी इससे? ये तेला चेपा यदि ये खत्म होता है इससे। किस प्रकार बनाई जाती है जी ये दवाई? ये नीम तुम्बा तुम्बे की बेल आक्षंद इसको पानी में डालकर उबाल कर बनाई जाती है। अच्छा, इसमें मतलब अंग्रेजी दवाइयां भी डाली जाती है? नहीं, अंग्रेजी दवाइयां कोई नहीं, देसी नुस्खा है। इसमें शराब का क्या रोल है जी? शराब को यदि काचापन है इसमें अल्कोहल होता है, उसकी वजह से कोई काचापन है नरमे में आता है और अच्छा कद करता है। अच्छा, तो इसमें जो सहायक है किसान के सहायक जो कीट है वो भी मारे जाते हैं? नहीं, वो नहीं मारे जाते, किसान के सहायक कीट है जैसे मकड़ी है वो उसमें सही रहती है, कोई दिक्कत नहीं है। तो एक किले की दवाई देखी जाए तो कितने में कॉस्ट किली पड़ती है जी? किले की दवाई हम तो अंदाजे से डालते हैं, अंदाजे से बना देते हैं, एक टप में बनाया और उसको बाल्टी दो बाल्टी ड्रम में घेर देते हैं और 4 एकड़ में लगभग घेरते हैं। तो आपको इससे कितना फायदा हुआ है जी अभी? हमें तो पूरा फायदा दिख रहा है, कोई नहीं, अंग्रेजी दवाई हम खरीदते नहीं है। क्या नाम है जी अपना? मेरा नाम महेंद्र है। कहाँ से जी? ढिंगसरा से। कितने जमीन में आपने वो स्प्रे करी है जी? स्प्रे हमने 10-12 किलो में की है। गांव में देखा गया है कि फसलों के अधिक पैदावार लेने के लिए शराब का प्रयोग किया जा रहा है, तो ये किस आधार तक सही है और किस आधार तक गलत है? देखो, जहाँ तक नरमा की बात है, जैसा आप बता रहे हो किसान जो देसी शराब का स्प्रे कर रहे हैं, तो ये वैज्ञानिकों के अनुसार तो ये बहुत गलत है, क्योंकि इससे फसल पर भी नुकसान हो सकता है, नरमा फसल भी ख़राब हो सकती है, क्योंकि इसमें ये नहीं पता भी इसमें क्या केमिकल है क्या इसके अंदर है, तो इससे फसल पर नुकसान हो सकता है। तो मैं तो किसानों को यही सलाह दूंगा एक कृषि अधिकारी या कृषि विशेषज्ञ होने के नाते कि भाई जो HAU द्वारा रिकमेंडेड दवाइयां हैं विभिन्न जो भी अपने कीट हैं इसमें आते हैं उनकी जो रिकमेंडेड सिफारिशशुदा जो दवाइयां हैं उनका स्प्रे करें किसान भाई, और उनसे आराम से कंट्रोल हो जाएगा, तो उनका स्प्रे करें किसान। तो ये स्प्रे नुकसानदायक हो सकती है जी? हो सकती है, इसकी बजाय या किसान अगर नीम वाली दवाइयों का स्प्रे करेंगे या जो सिफारिशशुदा दवाइयां हैं उनसे इंसेक्ट वगैरह कंट्रोल हो जाएंगे और ये किसान के लिए फायदेमंद होगा, पर्यावरण के लिए भी ठीक है ये, तो रिकमेंडेड दवाइयों का स्प्रे करें किसान।
अपना सस्ती हाल दी है सौ अपना साथ क्या है।